दिन पहले गोविंदवास थाने के अंदर दो एफआईआर आई। उन एफआईआरों का मजमून इस प्रकार से था कि दोनों के पुत्र नाबालिग थे और कोई प्रार्थी उनको बहला फुसला के उनसे गलत कार्य करा था, इस मजमून की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो इसमें जो एडिशनल एसपी मुख्यालय हैं अंजना सुखवाल जी, जो सीओ गिरवा हैं और जो एसएचओ गोवर्धन विलास हैं अजय सिंह राव जी, इनके एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने इसमें परिश्रम करते हुए एक का पता लगाया। उसका नाम है गजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र राठौड़। गजेंद्र राठौड़ जो है वो सेंट एंथनी नाम के स्कूल का पास आउट है। उसका मॉडल अप्रेंटिस इस प्रकार से था कि वो अपने ही स्कूल के शुरू में एक आधे बच्चे को उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। लेने के बाद में उसको विभिन्न प्रकार के लालच, जैसे मोबाइल फ़ोन देना, उसकी जो ई ट्रेडिंग में पैसे का लालच देना, कुछ ई सिगरेट घुमाना फिराना, कुछ ड्रग्स देना, गांजा और इस प्रकार की चीज़ों का उसने उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। एक के बाद एक बच्चे को वो अपने प्रभाव क्षेत्र में लेता गया। मॉडस ऑपरेंडी में जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था और किसी प्रकार का कोई नशा करने लग जाता था तो उसको फ़ोटो वगैरह खींच लेता था, फ़ोटो खींच के उसको ब्लैकमेल करता था, घर से कोई सामान चोरी करके लाने या पैसे चोरी करके लाने का उस पर दबाव बनाता था, वो बच्चा उसको पैसे देता रहता था। साथ में उसी बच्चे से ये भी दबाव बनाता था कि अपने किसी मित्र सहपाठी को वो और उसके साथ लेके आए। तो नया बच्चा जब आता था तो नए बच्चे को भी उसी प्रकार से शुरू में दो तीन दिन तो घुमाता फिराता था, थोड़ा जो अय्याशी टाइप उसको करवाता था। जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था तो उससे भी फिर उसी प्रकार का नशा वशा करवा के उसको ब्लैकमेल करके उससे भी रुपये ऐंठता था। ऐसे नए बच्चों को ये लोग शूटर बोलते थे। तो एक शूटर दूसरे शूटर को तैयार करता था, दूसरा शूटर तीसरे शूटर को तैयार करता था। तो इस प्रकार इसकी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया इसने ऐसे करीब 40 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 20-21 के नाम तो ये अभी बता पा रहा है, बाकी ये अभी कह रहा है इसे याददाश्त में नहीं है। तो अभी इसका पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है, पुलिस कस्टडी के अंदर और पूछताछ की जाएगी। इसमें दो तीन चीज़ें और पूछी जाएंगी, एक तो बचे हुए जो बच्चे हैं वो कौन है, इस ब्लैकमेल के पैसे लाने के अलावा भी क्या और किसी प्रकार का उसने कोई उनसे गलत काम करवाया है, साथ ही इसके अन्य कोई भी साथी थे या नहीं थे, ये ड्रग्स कहाँ से लाता था, ये बाकी चीज़ कहाँ से लाता था, इसका इसकी पूछताछ के अंदर पूरी तरह से एक बार इसमें गहन पूछताछ की जाना अभी प्रस्तावित। इसको अगर घटना उस दृश्य से देखेंगे, मोहल्ले में कई बार कुछ लड़के होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ स्टाइल से या उसकी हरकतों से वो थोड़े दादा किस्म के बन जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 13 से 17 साल के या इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि ये भैया तो कुछ अलग हटके हैं, कुछ हीरो टाइप हैं, उन बच्चों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है। तो वो स्कूल परिसर की बात नहीं, कोई लड़ाई होगी किसी बच्चे की, किसी बच्चे में तो होगी तो बीच में खड़ा हो गया, उसको धमकी दे दी उसकी तरफ से, तो एक ओरा बन जाता है ऐसे लोगों का, उसी ओरा का इस्तेमाल करते हुए इसने ये सब इसमें किया है। फिलहाल तो ये जो प्रारंभिक पूछताछ में तो इसके अकेले का ही आ रहा है, पर और भी अगर कोई व्यक्ति होंगे तो पहले देखना पड़ेगा कि वो भी कहीं प्रताड़ित बच्चे ही तो नहीं है। हो सकता है कि वो जो बच्चे हैं उन्हीं को उसने कालांतर में, जब चूंकि लंबा समय हो गया तो 2-3 साल बाद बच्चा भी इसी के जैसा ही बन गया हो, तो ये देखना पड़ेगा जो बच्चे और कोई अगर इसके साथ में है भी यदि तो क्या वो खुद पीड़ित है या वो भी इसी टाइप का आदमी है। जानता है उसके बाद भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं और कोई कानूनी पैच इसमें फंस रहा है इस वजह से या किस वजह से हम पकड़ नहीं, कानूनी पैच नहीं फंस रहा है इसमें, निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी हमारे सामने सूचनाएं मिलती हैं तो उसके अंदर हम बिल्कुल ये करते हैं। बहुत सारे स्कूली बच्चों की बात आ रही है और सारे रेकॉर्ड जो उदयपुर में सबसे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स की बात आ रही है सामने, जो क्या आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेके? बिल्कुल, ये अभी हमने इसमें जो जारी करेंगे आप लोगों से आग्रह है कि आप सचेत करें कि जो भी अध्यापक हैं स्कूल के, जो माँ बाप हैं, वो भी ये देखें कि अगर उनके बच्चे में कोई भी व्यवहार में परिवर्तन आता है किसी भी प्रकार का, या कोई भी उसकी आदतों में, उसके रूटीन में, डेली रूटीन में परिवर्तन आता है, उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन आता है, तो उसको नोटिस करें, तो तुरंत उस पर ध्यान दें क्या उसकी वजह है। उसकी वजह सामान्य भी हो सकती है, उसकी वजह इस प्रकार की भी हो सकती है, और ये करने के बाद में वो तुरंत अगर कोई ऐसा लगता है कि इस बारे कोई बात है तो पुलिस को सूचित करें। किस तरह के धाराओं में मामला दर्ज किया जाए? मामला इसमें जो दर्ज किया गया है वो जो दूसरा वाला मामला है वो 5, 6, 13 और 14 पॉक्सो एक्ट के अंदर दर्ज किया गया है। नहीं, ये अलग तरह का नहीं है, अगर आपने देखा हो तो बहुत से क्षेत्रों में इसके लेवल इसने बड़ा कर दिया, इसने लेवल बड़ा कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कई बार किसी भी मोहल्ले के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा चालाक होते हैं, ज़्यादा शाणे जो ज़्यादा होते हैं, वो छोटा मोटा उसे ठगी बगी करते रहते हैं, अपना खिलौना देकर नया ले लिया, ये कर दिया, बेवकूफ़ बना के मतलब सस्ता खिलौना महंगे में बेच दिया, इस तरह की चीज़ें तो छोटे बच्चे करते हैं। इसने इसको प्रोफेशनली ले लिया, मतलब इसने इस मोडस ऑपरेंडी को शुरू में तो इसने चालू ऐसे ही किया होगा, तो उसके बाद में जो कारण था उसका इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं ब्लैकमेल करके, तो इसमें भी है ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग हैं पर वो उसको इस स्तर पे नहीं करते जिस स्तर पे इसने किया है। 24-25 के आसपास का नहीं, ये फिलहाल तो है कि उन्हीं को ब्लैकमेल करता था,
जैसे मौज मस्ती करा के, जैसे नाइट आउट मौज मस्ती इस टाइप की ना, घुमाने ले चलते हैं कहीं घूमने गए, वहाँ पे बीयर पिला दी, गांजा पिला दिया और उन सभी फोटो वोटो ले ली, उस तो और भी कोई नशे हैं उसकी पूछताछ के अंदर सामने आया किस किस प्रकार के नशे दिए हैं। हाँ, दो कंप्लेंट्स आई थी उनके बाद ही भी दो दो नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। उससे भी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आता था, कहाँ से लेके आता था, क्या है सेक्सुअल अब्यूज है इसमें। हाँ नहीं, ये पूरा करके फिर आपको बताएं।